आपको आना वो आए, अगर आपको नहीं लगती चीज कीमत है तो आपको बोल कौन रहा है आने के लिए। आप बसें जला रहे हो, ट्रेन जला रहे हो, किसी ने आपको बोला कि हम आपको फौज में लेंगे? पहले तो आप हमारे मापदंडों पर खड़े उतरो ना, उसके बाद हम फौज में लेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह और आप देख रहे हैं दिक्कत जाप। दोस्तों, युवा किस तरीके से अग्निपथ स्कीम को लेकर प्रदर्शन कर रहा है, तमाम जगहों पर प्रदर्शन देखा जा सकता है, लेकिन अब अग्निपथ स्कीम के जो फायदे हैं युवाओं को समझाने के लिए तमाम तरीके के बीजेपी नेता, मंत्री, प्रवक्ता और सेलिब्रिटीज अब सामने आ चुके हैं। एक एक करके वो बता रहे हैं कि ये बीजेपी जो स्कीम लेकर आई है वो युवाओं के भले के लिए लेकर आई है। अभी हाल ही में एक वीडियो बीजेपी नेता का वायरल हुआ, वो तो आपने देखा ही होगा, जहां पर नेताजी बोलते हैं कि अग्निवीरों को पहली प्राथमिकता मैं दूंगा, बीजेपी कार्यालय में गार्ड की नौकरी पर सबसे पहले मैं किसी को रखूंगा तो अग्निवीर को रखूंगा। वो खुद अपनी जुबानी बोलते हैं। आपने उनका वो वायरल वीडियो तो देखा ही होगा, अगर नहीं देखा तो एक नजर उस वीडियो पर डालिए। फिर आगे आपको बताएंगे कि बीजेपी के एक और मंत्री यानी केंद्रीय मंत्री वीके सिंह का एक बयान सामने आया है, जहां वो क्या कुछ बोलते नजर आते हैं युवाओं को लेकर, वो भी आपको सुनवाया जाएगा। लेकिन उससे पहले इस वायरल वीडियो को देखिए। यदि वो 21 साल में भी भर्ती होता है, 4 साल काम करता है तो 25 साल में जब वो बाहर निकलेगा तो उसको 11 लाख रुपए उसके हाथ में होंगे। और अग्निवीर का एक छाती पर तगमा लगा के घूमेगा। किसी भी, मुझे अगर इस ऑफिस में, बीजेपी के ऑफिस में सिक्योरिटी रखना है तो मैं अग्निवीर को प्राथमिकता दूंगा। देखा आपने, ये तो आपने शायद देख ही लिया होगा, अब तक ये बहुत वायरल हो चुका है जहां किस तरीके से ये बता रहे हैं। खैर, केंद्रीय मंत्री ने भी वीके सिंह ने किस तरीके से युवाओं की भावनाओं का मजाक बनाया है। बोला है उन्होंने साफ तौर पर कि युवाओं को कौन बोल रहा है आर्मी ज्वाइन करने के लिए, ये तो वॉलेंटियर सर्विस है, जिसका मन है वो आए, जिसे नहीं आना है वो ना आए, जिसे पसंद है वो आए, जिसे नहीं पसंद है वो ना आए। हंस कर बता रहे हैं, मुस्कुरा कर बता रहे हैं। एक नजर इस वीडियो पर डालिए। दिस इज अ वॉलंटरी स्कीम, इंडियन आर्मी इज अ वॉलंटरी आर्मी, वी डोंट कंस्क्रिप्ट सोल्जर्स, हमारे यहाँ अनिवार्यता नहीं है, जिसको आना वो आए, अगर आपको नहीं लगती अच्छी स्कीम मत आओ, तो आपको बोल कौन रहा है आने के लिए। आप बसें जला रहे हो, ट्रेन जला रहे हो, किसी ने आपको बोला कि हम आपको फौज में लेंगे? पहले तो आप हमारे मापदंडों पर खड़े उतरो ना, उसके बाद हम फौज में लेंगे आप। देखा आपने, ये किस तरीके से बीजेपी का मैसेज पास किया जा रहा है। जो प्रधानमंत्री इस वक्त मौन बैठे हैं, देश में किस तरीके का माहौल है, प्रधानमंत्री जी टस से मस नहीं हो रहे हैं, लेकिन उनके नेता मंत्री अब सामने आ रहे हैं और धीरे धीरे करके अपने रूप दिखा रहे हैं। और ये उन्हीं नौजवानों के लिए बोल रहे हैं जो नौजवान 4-5 साल से सेना की तैयारी कर रहा है, सुबह 5 बजे उठकर दौड़ लगाता है, परीक्षा पास करने के लिए रात काली करता है, लेकिन 4-5 साल बाद जब युवकों को, जब अभ्यर्थियों को यह पता चलता है कि 4 साल का कार्यकाल रख दिया गया है, तब उसके दिल पर क्या बीती ये प्रदर्शनों में देखा जा सकता है। आप सोच सकते हैं, एक सिपाही जब देश के नाम अपनी जान कुर्बान करता है, उसका शरीर एक तिरंगे में लपेट के घर आता है, उस सिपाही की भावनाओं को किस तरीके से वीके सिंह ने एक झटके में बोल दिया कि इच्छुक है, आना है आइए, नहीं आना है मत आइए। ये उनके लिए बोल रहे हैं जो देश की रात दिन सेवा करते हैं। देश का युवा देश की सेवा के लिए लड़ रहा है। बेशक युवाओं का तरीका गलत है, युवा हाथ में पत्थर लिए जिस तरीके से ट्रेनों को रोक रहा है, आग लगा रहा है, हिंसक प्रदर्शन बेशक गलत है, लेकिन युवा सड़कों पर क्यों ना आए, ये कोई बात करने को तैयार नहीं है। ना ही तो कोई पत्रकार इस चीज को लेकर सवाल उठा रहा है कि सरकार ये स्कीम आखिरकार क्यों लाई, जब भर्तियां हो रही थी और भर्तियां तरीके से निकालने की जगह सरकार एक नई स्कीम लेकर आ जाती है और देश में किस तरीके का माहौल पैदा कर देती है, यह साफ तौर पर देखा जा सकता है। आपको बता दूं कि वीके सिंह के इस वीडियो को News24 ने ट्वीट किया और तमाम चैनलों ने ट्वीट किया, लेकिन पवन खेड़ा जो हैं, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उन्होंने क्या कुछ बोला है वीके सिंह को लेकर, वो बताते हैं। जो शख्स 62 की आयु में
रिटायर होने को होता है तब वो कोर्ट पहुंच जाता है अपनी सर्विस को एक्सटेंड करवाने के लिए, पोस्टपोन करवाने के लिए। और वो शख्स युवाओं को देश में जो आर्मी की सेवा के लिए जाने वाले हैं उनको राय दे रहा है, जो खुद अपने रिटायरमेंट को रोक रहा था वो दूसरों को ये राय दे रहा है कि भाई आप इच्छुक हैं तो आइए, नहीं है तो मत आइए। स्क्रीन पर आप पवन खेड़ा का ये ट्वीट देख रहे होंगे। इस ट्वीट में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से वीके सिंह के ऊपर, सरकार के ऊपर कांग्रेस प्रवक्ता ने वार किया है, एक तीखा वार किया है। स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा पवन खेड़ा का ये ट्वीट, जहां वो लिखते हैं 62 की आयु में किस तरीके से इन्होंने भी अपना रिटायरमेंट रोकने की कोशिश की थी। दोस्तों आप सोच सकते हैं कि जब बीजेपी मंत्री इस तरीके से सामने आते हैं और तमाम ऐसे वीडियोस जब वायरल हो रहे हैं जहां पर पूरी पूरी कोशिश की जा रही है ये बताने की कि जो स्कीम हम लेकर आए हैं वो कितनी लाभदायक है, और इस स्कीम के बहाने किस तरीके से विपक्ष और तमाम ऐसे नफरती लोग युवाओं को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, कि क्या वाकई कोई उन्हें भटकाने की कोशिश कर रहा है, या फिर जो उनके दिल पर बीत रही है इस वक्त, जो वो सुबह 5 बजे उठ के तैयारी कर रहे थे, जो वो सुबह सुबह दौड़ लगा रहे थे, और इस वक्त इस स्कीम के आने के बाद उनके दिल पर क्या बीत रही है, कोई पत्रकार कोई रिपोर्टर उनसे जाए और पूछे, और यही नेता मंत्री उनके घर जाए, उनसे मिले, रोड पर जो प्रदर्शन युवा कर रहा है उसके पास जाए और उनसे मिले और पूछे कि आप बताइए कि इस स्कीम जो है, ये स्कीम जो हम लेकर आए इससे दिक्कत क्या है, और जो वो दिक्कत महसूस कर रहे हैं उसे समझाइए कि इस स्कीम के फायदे क्या हैं, और ये फायदे ना गिनवाइए कि बीजेपी कार्यालय में उनको गार्ड की नौकरी दी जाएगी। ये ना बताएं कि आपका मन है तो आइए, नहीं मन है तो ऐसे प्रदर्शन ना करें। इन तमाम वीडियोस को देखने के बाद, वीके सिंह के इस बयान को सुनने के बाद आप क्या सोचते हैं बीजेपी को लेकर, बीजेपी नेता को लेकर, बीजेपी नेताओं के ऐसे बयान को लेकर आपकी क्या राय है? देश का सिपाही जो दिन रात खड़ा रहता है देश की सीमा पर, देश की रक्षा करता है, आज उसके साथ खिलवाड़ हो रहा है। हम युवाओं की बात ना करें, हम बात इस वक्त कर रहे हैं देश के सिपाही की, जो जवानी में अपनी जान गंवा देता है, जिसके परिवार पर क्या बीतती है जब उसका इकलौता चला जाता है। आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट कर अपनी राय जरूर पेश करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तमाम जानकारी और खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें दी कंटाप। धन्यवाद।